ये लो बेटा तुम यहाँ आराम से घर में रहना और मेरे को लेट हो रहा है काम के लिए, ठीक है? मैं जल्दी से जाऊंगी, थोड़ी देर में काम करके आ जाऊंगी, तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? बाहर नहीं निकलना, गर्मी बहुत हो रही है, ठीक है? मम्मी मम्मी मेरे को भी ले चलो आपके साथ, आज बहुत गर्मी हो रही है, वहाँ पे तो पंखा भी चलता है, नहीं बेटा वहाँ ले जाऊंगी तो मैडम गुस्सा करेंगी, तुम अपने घर में रहो, ठीक है, आराम से, और मैं भी आ जाऊंगी काम करके। प्लीज मम्मी ले चलो ना, आज बहुत गर्मी है, वहाँ पे तो पंखा भी चलता है, प्लीज। अच्छा चलो फिर। अरे यार आज गर्मी इतनी हो रही है और काम वाली भी नहीं आई है, पता नहीं क्या करते हैं गरीब लोग, एक तो काम भी दो इन लोगों को और ऊपर से अभी तक आई भी नहीं है, और ऑफिस भी निकलना लेट हो रहा है, टिंग टोंग बजिए लग रहा है काम वाली आई होगी, उसे बुला लेता हूँ, आ रहा हूँ। अरे बड़ा लेट लगा दी तुम लोगों ने आने, मेरे को ऑफिस निकलवा, किसको लाई हो? ये मेरी गुड़िया है भाई साहब, सब्जी आज बहुत गर्मी हो रही थी, शक्कर सस ने बोला कि मुझे अपने साथ ले चलो, मेरे घर में सर सब्जी पंखा नहीं है, बहुत गर्मी, तो मैंने थोड़ा ठेक ठेका ले रखा, तुम्हारे घर में पंखा है कि नहीं है? सब्जी कुछ नहीं करेगी, बस आराम से, मुझे पता नहीं है, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा, बिजली का भी देखते इतना रखा और एसी मत चला देना तुम लोग, ठीक है ना? ठीक है, पंखा भी बंद हो रहा है, पंखे में काम करे तभी निकलना है यहाँ से, यानी पंखा में चालू करके बैठ जाओ यहाँ पे, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा मैं जा रहा हूँ, घर से कोई मेहमान भी आने वाले हैं तो इनका ख्याल रखना, ठीक है? और एसी बिल्कुल मत चलाना बिल्कुल, ठीक है साहब जी। बिना बात है किस किस को उठा के गया था, गर्मी हो रही है। मम्मी कौन है? ये साहब जी है बेटा, और तो बिल्कुल बदमाशी नहीं करना, साहब जी देखा कैसे गुस्सा कर रहे, तुम चुपचाप से बैठो। मम्मी मम्मी ये देखो कितना बड़ा एसी, मम्मी एक बार चलाओ ना। नहीं बेटा माना करे ना साहब जी ने, तुम चुपचाप से बैठोगी और किसी भी चीज में हाथ नहीं लगाओगी। नहीं बेटा तुम बैठो, मैं जल्दी से काम निपटा लूँ, हमें घर भी जाना है बेटा, बहुत गर्मी हो रही है, और साहब जी मना करके गए ना कुछ नहीं चलाना, कोई सामान तो घर से ज्यादा बहुत गर्मी है यहाँ। क्या बेटा क्या हुआ? यहाँ पे तो घर से ज्यादा बहुत गर्मी है, मैं आपके साथ कभी नहीं आऊंगी यहाँ पे, वहाँ से ज्यादा तो यहाँ पे बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो मेरे बच्चे को कितना पसीना आ रहा है, मना करा था ना मैंने कि तुम मेरे साथ मत आना, मना करा था ना मम्मी, मैंने सोचा था कि वहाँ पे जाके एसी चला के मैं ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। ऐसे अमीर लोग बेटा ऐसे ही होते हैं, इनका दिल बड़ा नहीं होता, इनका खाली घर बड़ा होता है बेटा। चलो मम्मी मम्मी प्लीज एक बार चला दो ना। नहीं बेटा चलो, अच्छा चलो तुम कहती हो तुम एक बार एसी चला के तुमको ठंडी हवा खिला देते हो, ठीक है? मम्मी यहाँ पे तो कितनी ठंडी हवा आ रही है मम्मी, काश हम भी अमीर होते तो हमें भी कितना मजा आता। हाँ बेटा क्या करें, ऊपर वाले ने हमें गरीब बनाया, हम क्या करें बेटा। चलो ये साहब जी का रिमोट रख देते, ठंडी हवा खा लो फिर हम चलते हैं, ठीक है घर? ओके ठीक है मम्मी। ओके बेटा। ए, ये क्या एसी चल रहा है? तुमने मन मना किया था एसी मत चलाना, मैं घर से भी जा रहा हूँ, तुम लोगों ने एसी चला दिया, मेरी गुड़िया परेशान कर। मैं पर्स भूल गया, मैं चलो अभी मैं पहले पर्स लेके आता, रास्ते जाके तुम देर में काम खत्म करके एसी चला के रह रहे तुम लोग। साहब जी मेरी गुड़िया बहुत उसको शौक है ठंडी हवा में बैठने का, इसलिए चला दिया साहब जी। गरीब कहीं के सोच रहा था जैसे तुम लोग वैसे ही रहोगे गरीब, चल जा काम खत्म हो गया तो, और एसी चला के छोड़ दिया है, कल से काम पे मत आना, जाओ यहाँ से। एसी चला दिया, बिल इनका अंकल भरेगा। गर्मी